हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारूख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी की जो हमारी वीडियो है काफ़ी मज़े की और एक अनोखी या कह सकते हैं इंटरेस्टिंग सी चीज़ की रिएक्शन वीडियो है, और इस वीडियो का नेम है भोपाल सिटी ऑफ लेक्स वन डे विजिट। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत मज़ेदार किस्म की होने वाली है, और इस वीडियो को हम देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं वीडियो को देखते देखते आप लोगों के साथ बात करता जाऊंगा और अपना रिएक्शन रिव्यू और सारा कुछ देता चलूंगा। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ आपको, भोपाल इज अ सिटी इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इट्स वन ऑफ द इंडिया ग्रीनेस्ट सिटीज। वाओ, यानी कि ये बड़ी हरियाली वाला इंडिया का शहरों में से एक आता है और है, जो कि वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा और आइडिया होगा। और बाकी की बात वगैरह जो कुछ है वीडियो देखते देखते और जो कि उसी हवाले से मैं करते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी वीडियो साथ साथ देखने में मज़ा और इंटरेस्टिंग सी लगे। तो आइए चलकर देखते हैं वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और बाकी सारी बात बात साथ साथ करते जाएंगे हम इस वीडियो के साथ साथ आपके साथ। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन। भोपाल जो सड़क फुटपाथ, ओ हो ज़बरदस्त, साफ सुथरी हरियाली तो साफ नज़र आ रही है, ज़बरदस्त। ओ हो कितनी ज़बरदस्त किस्म की सड़कें, ओ हो समंदर, और लग रहा है ये कुछ काम हो रहा है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये शहर लग रहा है। ओ हो पानी, ज़बरदस्त, कमाल ही हो गया ये तो, आउटस्टैंडिंग। हरियाली तो नज़र आ रही है, इसी तरह से होना चाहिए कि फुटपाथों पे और हर जगह, मतलब जो उस तरह के दरख्त वगैरह होने चाहिए, इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है, और बारिशें वगैरह भी हरियाली की वजह से होती हैं, और मौसम भी खुशगवार रहता है, और धूप वगैरह से बचने का भी बेहतरीन किस्म का ज़रिया होता है। सड़कें तो कितनी कमाल की लग रही हैं, कितनी नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आपको आइडिया हो रहा होगा या फिर नहीं हो रहा, तो अगर आप यहाँ रहते हैं या फिर जा चुके हैं या जो कुछ भी, तो आपको पता होगा इस हवाले से। बत्तख, ओह माय गॉड, बत्तख मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर वाइट कलर की। और ये जो है इस वीडियो के अंदर काफ़ी जो कि इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ों को उजागर करके दिखाया गया है, जो कि देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जिस हिसाब से वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और एडिट किया गया है, तो वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आप हमारे साथ ये वीडियो देखकर बोर हो जाएंगे या जो ये वीडियो देखेगा वो बोर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। ट्रेन, इसको देख के मुझे तेरे नाम का गाना याद आ गया, ज़बरदस्त। ओहो भुट्टे, समंदर के पास भुट्टे तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सड़कें तो देखें आप लोग कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, जो कि देखने के बाद ही मज़ा आ रहा है। और ऐसी जो सड़कें होती हैं साफ़ सुथरी, इन पर ड्राइव करने का या बाइक राइड करने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, या कह सकते हैं आप मज़ा दोबाला हो जाता है। और जैसे कि आपको कहीं जाना होता है तो जो सड़कें वगैरह साफ़ सुथरी होती हैं, तो ट्रैवल जो आपको करना होता है उसका जो सफ़र भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि गड्ढे हों, टूटा फूटा रोड हो तो मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं, बनिस्बत आप देर से पहुँचते हैं। और जिस हिसाब से इस वीडियो में दिखाया गया है, जो कुछ ही बहुत ही कमाल का लग रहा है, और वाकई में सच में हरियाली तो नज़र आ रही है, और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा चहल पहल और रौनक वाला ये शहर है, और यहाँ पर जो है सभी अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक मगन लग रहे हैं, कि जैसे सुबह होती होगी तो अपनी एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है लोगों की। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये शहर लग रहा है, जिसमें लोग बहुत मतलब सपने देखने वाले और एम्बिशियस, और काफ़ी लग रहा है कि जुनून वाले हैं। और झंडा इंडिया का नज़र आ रहा है, जो कि लहरा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अब ये रात का मनाजिर है, रात के अंदर ये सब शूट हुआ है। ओहो रात के अंदर लाइटें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती हैं, और आप देख रहे हैं सब तरफ गाड़ियाँ बाइकें नज़र आ रही हैं। बाइकें ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में चलाई जाती हैं, बनिस्बत बाकी शहरों के अंदर इस तरह की बाइक नॉर्मल नहीं होती, वहाँ हैवी बाइक्स होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं, और काफ़ी दूसरी अलग किस्म की बाइक होती हैं। अब यहाँ पर झीले समंदर भी हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के, जो कि इस वीडियो के अंदर दिखाए जा रहे हैं रात के मनाजिर के साथ साथ। और
कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सारा मंज़र, जैसा कि आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। इस वीडियो का म्यूज़िक जो था, इसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक था जो कि मैंने बंद कर दिया गया है इस वजह से, ताकि और ज़्यादा वीडियो को देखने का मज़ा आए, क्योंकि मैं साथ साथ आपके बताता जा रहा हूँ चीज़ें जो कि आप लोग, आई होप सो उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने के बाद। और ये जो रात के मनाजिर हैं ज़बरदस्त किस्म के, और इसमें हरियाली दिखाई जा रही है, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छी वीडियो शूट की गई है, जो कि देखने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बिल्कुल थोड़ी सी वीडियो रह गई है, क्योंकि इन्होंने सुबह से स्टार्ट की थी और अब रात के मनाजिर दिखा के और इन सब चीज़ों को कर दिया गया है एंड, जो कि देखने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सच में वाकई में जो ये भोपाल की जो मतलब सड़कें और जो चीज़ें और झीलें सब दिखाई गई, जो कि देखने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़ा आया और ऐसा लगा कि सच में वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का और बहुत ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा ये शहर है, जो कि वीडियो में साफ साफ और क्लियर बिल्कुल नज़र आया। बनिस्बत जो दूसरे शहर होते हैं जो आबादी के लिहाज से बड़े होते हैं या फिर रकबे के लिहाज से, तो उसमें धूल मिट्टी पॉल्यूशन टूटी फूटी सड़कें कचरा गंदगी ये सब कुछ पाया जाता है, जबकि बनिस्बत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं। और कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और कितनी सफाई का ख्याल रखा गया, जो कि देखने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसी तरह शहरों को, अपने मुल्कों को, बल्कि हर चीज़ को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए और यही समझ के रखना चाहिए कि ये हमारी अपनी है। और जैसे एग्जांपल तौर पे आप किसी मुल्क में जाएं या शहर में जाएं या फिर आप ट्रैवल करें, तो आप बिल्कुल भी ये इस तरह का ना करें कि आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पर मेहमान ही आए हैं, आप गंदगी फेंक दें, कचरा फेंक दें, खाएं पिए गंदगी करें चीज़ें थोड़े फोड़े। आप लोगों को चाहिए या हमें भी चाहिए, बल्कि सबको चाहिए कि हम कहीं पर भी जाएं या कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें और उसको ये समझें कि ये खूबसूरती एक नेमत और ये सब चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथ से ज़ाया ना करें और इनकी ख्याल करें, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हम पर आता है। और बस बात को मैं बिल्कुल एंड करता हूँ। ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वीडियो को देखने के बाद, बल्कि मेरा तो दिल करा कि मैं जाकर यहाँ पर देखूँ। और मुझे बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे कोई दूसरा मुल्क है या कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा था वीडियो को देखते वक्त कि ये कराची की सड़कें और कराची का ही कुछ दिखाया जा रहा है, क्योंकि कराची भी इसी तरह का है, बल्कि जो है आप ये कह सकते हैं हाँ यहाँ थोड़ी सी ज़रा गंदगी है जैसे कि, लेकिन फिर भी इस तरह का है बिल्कुल चमकदार किस्म का, क्योंकि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और यहाँ की तो एक बात अलग है। लेकिन जो इसको दिखाया इस वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे काफ़ी हद तक कराची की याद आई, यानी कि अपने शहर की याद ताज़ा हो गई बल्कि। और मैं रहता ही कराची में, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कराची की सड़कें और कराची का सब मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, जो कि देखने के बाद ओवरऑल ये कह सकते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो पसंद आई और देख के बहुत मज़ा आया। और आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके साथ साथ मैं आपसे इसी हवाले से बात करता गया सब कुछ। और अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। और अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।